ChatGPT, ChatGPT. तो क्या नौकरी छोड़ दें हम? मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? हैं? फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर, क्या ये टूल सबकी डेजिग्नेशन को, सबकी जॉब को खा जाएगा, रिप्लेस कर देगा? आज बात करते हैं जी ChatGPT के बारे में. क्या है ये मॉडल, क्या है ये AI बेस्ड टूल, क्या करता है, कैसे बना है, किसने बनाया है, क्या गूगल इतनी बड़ी कंपनी है मार्केट में, क्या उनके पास ऐसा कोई टूल नहीं है क्या? बात करेंगे, समझेंगे. और ऐसे अगर फ्यूचर में टूल आते हैं तो एज अ डेवलपर, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुझे कैसे देखना चाहिए ऐसे टूल्स को, और ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना चाहिए अगर ज़रूरत ना हो. तो आइए जी बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है. तो अभी बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट हैं, राइट, फ्रेशर्स हैं, उनको थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम है कि क्या हमें आगे दिक्कत होगी, क्या हम, क्या सब कुछ AI में कन्वर्ट हो रहा है, राइट. तो उनका डाउट क्लियर करने आया हूँ. जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो समझ पा रहे होंगे, ठीक है, एक टूल है जो हमें, हम जो पूछ रहे हैं हमें उसका आंसर दे रहा है, विच इज़ वेरी गुड. अब मान लीजिए मुझे रिज्यूमे बनाना है, दिस टूल इज़ गुड, आपको अच्छा रिज्यूमे बना के दे सकता है. मुझे कोई लीड कोड की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, दिस टूल इज़ गुड, आपको वो प्रॉब्लम का आंसर दे सकता है. अब बच्चे कह रहे भैया एक बात बताओ, मेरे को वहाँ मैं जो भी कोड लिख रहा हूँ मुझे तो मिल ही रहा है, मैं कोडिंग क्यों करूँ? अबे मेरे भाई, अबे अगर तू नहीं करेगा तो मेरे लॉजिक्स कैसे अच्छे होंगे? कॉपी करने के लिए भी तो समझ आना चाहिए, ठीक है. देखो ChatGPT जो है ना, GPT स्टैंड्स फॉर जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, आपको जनरेट करके देगा. और ये जो AI बेस्ड टूल है, जो ChatGPT है, इट इज़ जस्ट अ चैट बॉक्स, एक रोबोट है AI बेस्ड, जो आपको जो भी आप पूछोगे अगर वो उसके लिए ट्रेंड है तो आपको जवाब दे रहा होगा, अगर वो ट्रेंड नहीं है तो आपको जवाब नहीं देगा. फॉर एग्ज़ाम्पल इससे पूछते अजय कौन है, अब ये अजय के लिए ट्रेंड नहीं है, अजय कौन है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी बात हो रही है, मेरे को नहीं जानता ये टूल, तो अगर इसको हमें ट्रेंड करना हो तो मान लो मेरी इमेज के हिसाब से इसे ट्रेन करना है, तो मैं एक इमेज ऐसे दूंगा, एक ऐसे दूंगा, एक ऐसे दूंगा, एक ऐसे दूंगा, अलग अलग इमेजेस दूंगा, और मैंने इसको 1000 सैंपल दे दिए. और अगर कोई पूछता है कि अजय की राइट पोजीशन क्या है, तो ये राइट पोजीशन रिटर्न कर देगा, अजय की लेफ्ट पोजीशन क्या है, तो ये लेफ्ट पोजीशन रिटर्न कर देगा. तो ट्रेंड किया तो इसने जवाब दिया, बट उससे पहले ये ट्रेंड नहीं था तो ये जवाब नहीं दे रहा था, राइट. तो एक ओपन AI स्टार्टअप है, 2015 में आया था ये स्टार्टअप, उन्होंने इस टूल का आविष्कार किया, राइट. अब एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर मैं अपनी कंपनी में काम कर रहा हूँ, फ्रंट एंड में कर रहा हूँ या किसी प्रोजेक्ट में कर रहा हूँ, एज अ बैक एंड कर रहा हूँ, एज अ फुल स्टैक कर रहा हूँ, सवाल ये आता है कि क्या ये मेरी जॉब को खा जाएगा? हाँ जी, खा सकता है अगर आपका जो सोर्स कोड है उसके लिए ट्रेंड हो. जो ये ट्रेंड नहीं है, क्योंकि हर कंपनी के अंदर जो प्रोडक्ट होते हैं जिन पर आप काम कर रहे होते हो, वहाँ पर रिक्वायरमेंट और वो जो प्रोडक्ट अपने आप में, यू नो दैट कंटेन एन नंबर ऑफ थिंग्स, उसके लिए पहले ट्रेन करना पड़ेगा तब ये बता पाएगा, वरना ये नहीं बता पाएगा. तो आपकी जॉब तो सेफ हुई ना, तो आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? बट हाँ, अगर आपको कोई लीड कोड की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आप जो नॉर्मल गूगल पे सर्च करते हो, आप स्टैक ओवरफ्लो पे जाते हो, राइट, कोई भी अगर आप कहीं फंस जाते हो, आप कुछ चीज़ें डायरेक्ट यहाँ से सर्च कर सकते हो, आपको सोल्यूशंस मिल जाएंगे, एक नहीं मल्टीपल, क्योंकि ये ट्रेंड ऐसे किया गया है, इसको इतना डेटा पढ़ाया गया है इस टूल को हर एक चीज़ के लिए, जो भी आप इससे पूछ रहे हो तो आपको ये डिफरेंट डिफरेंट आंसर दे रहा होता है अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो. जिन लोगों ने इस टूल का इस्तेमाल किया है तो नीचे एक बॉटम में एक बटन होता है रीजनरेट, तो आपको रीजनरेट करके कुछ नया आपको देगा लाके, राइट. तो मेरे हिसाब से ये टूल जो है आपकी जॉब को रिप्लेस नहीं कर रहा, डोंट वरी. फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए आपको फ्रंट एंड में जो चीज़ें पढ़नी होती है वो पढ़नी पड़ेंगी, बैक एंड डेवलपर बनने के लिए जो बैक एंड के लिए चीज़ें पढ़नी होती है वो बैक एंड वाली चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी, या कोई भी डेजिग्नेशन है. अब इससे पहले आपको याद है GitHub Copilot आया था, तो क्या वो सबकी जॉब सबको रिप्लेस कर दिया? ऐसे टूल मार्केट में आते हैं, कंपनीज ट्राई करते हैं कुछ नया इन्वेंट करने का जिससे प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ किया जाए. तो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुझे अच्छा लगता है कि अगर ऐसे टूल आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल मुझे कोई एप्लीकेशन लिखनी है, अब वो थोड़ा मेरा टाइम लेगा, मैं लिखूंगा, मैं फटाफट से ChatGPT को बोलूँगा मुझे भाई फटाफट से एक लीव एप्लीकेशन दे, मुझे को दे देगा, मैं फटाफट कॉपी करूँगा, जो चेंज करना चेंज करके काम खत्म. अब बच्चों का हॉलीडे होमवर्क है ना, या फिर लीड कोड के प्रॉब्लम्स हैं, या फिर यूट्यूब की मुझे डिस्क्रिप्शन लिखनी है, मुझे ये दे देगा, राइट. तो ऐसी चीज़ें ये दे रहा है और उसके लिए उसको ट्रेंड किया गया है, बट हर चीज़ नहीं दे रहा होगा, राइट. अब मेरे ऑफिस में कोई कोड है, अब वो उसको क्या पता उसके बारे में, उसके रिक्वायरमेंट के बारे में, तो क्या उसका आंसर दे पाएगा? नहीं दे पाएगा. तो इस तरीके से हमें समझना होता है कि जो टूल है उसका मतलब क्या है, पर्पस क्या है, और कैसे मैं अपने काम में उसको यूज़ में ले सकता हूँ और अपने काम को आसान कर सकता हूँ. तो अगर आप ऐसे देखेंगे
तो आपको ऐसे टूल्स मार्केट में दिखने में अच्छे लगेंगे, बट हम ये नहीं कहेंगे कि हमारी जॉब को रिप्लेस कर देगा, राइट? अभी ये ओपन एआई ने डेवलप किया है तो वो ऑलरेडी इसको ट्रेन कर रहे हैं, तो अभी ये टाइम लगेगा इसको उस लेवल पे आने पे, बट उस लेवल पे आ भी जाएगा तो कुछ कुछ चीज़ों पे काम आसान हो रहा होगा। जैसे अगर आप ब्लॉगर हैं तो आपको आर्टिकल लिख के दे रहा है, अभी भी दे रहा है, और अच्छा एक्यूरेसी थोड़ी ज़्यादा रहेगी, तो उस चीज़ पे ये कंपनी काम कर रही है। और ऐसा नहीं है कि गूगल इतनी बड़ी कंपनी है मार्केट में, उसके पास ऐसा टूल नहीं है। एक टूल है लैम्डा 2, ये तो टेक्स्ट रिटर्न कर रहा है, वो बोलता है, बट गूगल ने उसको इसलिए अभी ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया है क्योंकि उसमें 100% एक्यूरेसी नहीं है। तो उस टूल में क्या है कि आप बात करोगे, वो आपकी प्रॉब्लम समझेगा, उसके बाद आपको वर्बली आंसर देगा, बट ये टूल ऐसा नहीं करता, ये आपको टेक्स्ट फॉर्म में आंसर देता है, राइट? जीपीटी जनरेटिव जनरेट करेगा, प्री ट्रेंड, ये सिस्टम जो है एआई बेस्ड, ट्रेंड है, तो जो जनरेट करेगा जिसके लिए ट्रेंड है वही आपको ट्रांसफॉर्म करके दे रहा होगा आपकी स्क्रीन पे डिफरेंट डिफरेंट वेज से, राइट? तो जी मेरे हिसाब से, मेरा ऐसा मानना है, ऐसे टूल्स मार्केट में आते हैं फिर चाहे गिटहब कोपाइलेट हो या फिर चैट जीपीटी हो, इनका मोस्ट वेलकम किया जाए, एज अ डेवलपर कम्युनिटी इनका वेलकम किया जाए, बट आप कैसे इसको अपने काम में इस्तेमाल कर सकते हो आपको ऐसे देखना चाहिए, ना कि प्रोग्रामर की जॉब रिप्लेस हो जाएगी, ये कर देगा वो कर देगा, नहीं, कुछ कुछ चीज़ों में बहुत अच्छा है, रियली अप्रिशिएट। जैसे आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, इवन यू कैन डायरेक्ट सर्च ऑन गूगल, आपको गूगल में आंसर दे देगा, बट आप चैट जीपीटी में भी दे सकते हो, आपको डिफरेंट टू द पॉइंट, डिफरेंट हाउ टू राइट वायरल स्क्रिप्ट, यू नो, आपको ये भी आंसर करेगा, यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन कैसे लिखे, बेस्ट टाइटल क्या होना चाहिए। तो कल को चैट जीपीटी हो या कोई भी टूल मार्केट में आता है तो आपको घबराना नहीं है, चाहे फ्रेशर्स जितने देख रहे हैं, मेरी उनको यही एडवाइस रहेगी, समझो पहले। और क्योंकि आप खुद देखो ना, आप सर्विस बेस्ड कंपनी में काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वहाँ पर डिफरेंट डोमेन होते हैं, एयरलाइन डोमेन है, इंश्योरेंस डोमेन है, अब वो डोमेन को समझने में ही अपने आप में ग्रंथ है भाई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब ऐसे एआई बेस्ड टूल को पहले आपको ट्रेन करना पड़ेगा, तब जाके वो आप जो चाहते हो वो आपको करके दे रहा होगा। तो डोंट वरी, आप लोग बिल्कुल सेफ हैं, कोई डरने वाली बात नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये चीज़ें मार्केट में आती रहती हैं। बाकी अगर आपको फ्रंट एंड डेवलपर बनना है, बैक एंड बनना है, फुल स्टैक बनना है, जो उसका पाथ है आपको वैसे ही बनना पड़ेगा। डायरेक्ट गूगल पर सर्च करते हैं, स्टैक ओवरफ्लो से हमें सोल्यूशन मिल जाते हैं, वो भी एक ऑप्शन हम करते ही आ रहे हैं, आज तक कर ही रहे हैं, बट हाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि मेरे को ये एक्चुअली मेरे को हेल्प कर रहा है, तो मेरे को लगता है खराबी नहीं है, हमें यूज़ करना चाहिए। बट जनरलाइज पॉइंट ऑफ व्यू बात करूँ, कुछ चीज़ों में बहुत बेहतर है, लाइक अगर मेरे को कुछ लिखना है, मुझे लिंक्डइन के लिए कोई प्रोफाइल लिखनी है, मुझे कैसे किसी से बात करनी है लिंक्डइन पे, उस चीज़ के मुझे आंसर दे रहा होगा। इवन कैसे एप्लीकेशन लिखनी है किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी टॉपिक के लिए, बेस्ट पॉसिबल अलग अलग केसेस में ये आंसर दे रहा होगा। अगर उसके लिए ट्रेंड नहीं है तो इसके लिए वो एक नया डेटा सेट है, तो नेक्स्ट टाइम अगर आप 10 दिन बाद सर्च करो या 5 दिन बाद सर्च करो, तो क्या पता जो आपने पूछा था पहले वो आपको भी उसका भी आंसर दे रहा हो, क्योंकि उस डेटा सेट के लिए जो आपने पूछा था उसके लिए इसको ट्रेन कर दिया गया हो, राइट? तो ऐसे टूल्स गाइस मार्केट में आएंगे जाएंगे, बट आप अपने कॉन्फिडेंस को, अपनी मेहनत को कम ना करें। लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत है हर चीज़ में। इस 10 साल बाद ये चीज़ गायब हो जाएगी, 20 साल बाद ये चीज़ गायब हो जाएगी, इस पे फोकस ना करते हुए करंट टाइम पे जो आपको सीखने को मिल रहा है उस पे ध्यान लगाइए, ठीक है? ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी, मैंने लिंक्डइन पे पोस्ट देखी, मैं वीडियो नहीं कवर कर रहा था इस पे, मैंने कहा चलो कवर कर देते हैं, एक बार अपना ओपिनियन भी बता देते हैं कि मैं क्या सोचता हूँ ऐसे टूल्स के बारे में। आई रियली अप्रिशिएट जो ओपन एआई ने ऐसा टूल बनाया, कुछ चीज़ों में बहुत बेहतर है, प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं इंक्रीज़ होगी। अगर मेरे को लगता है कि मैं अपनी डेली जॉब के साथ साथ इस टूल को यूज़ करके कुछ बेटर कर सकता हूँ, आई थिंक विच इज़ नॉट बैड, आई थिंक मैं उसको यूज़ करूँगा और अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करूँगा, ठीक है? ऐसे गूगल का मैंने आपको लैम्डा 2 का एग्जांपल दिया, तो गूगल इतनी बड़ी कंपनी है, बट गूगल क्यों नहीं लॉन्च कर रही ऐसे टूल पहले ही? गूगल का मजाक बन जाएगा भाई, इतनी बड़ी कंपनी है क्या हो रहा है, तो 100% एक्यूरेसी नहीं है लैम्डा 2 में, इसलिए वो काम कर रहे हैं अभी उन चीज़ों पे, राइट? तो जी मेरे हिसाब से ये किसी भी प्रोफाइल को रिप्लेस करने वाला नहीं है, हाँ कुछ कुछ चीज़ों में बहुत बेहतर है, तो उसको आनंद के तौर पे लीजिए, यूज़ कीजिए, और गर्लफ्रेंड कैसे पटाएं, यू विल गेट आंसर। अबे आई वॉज जस्ट किडिंग, माफ करना, मैं जो निकल जाता हूँ किडिंग, बट ऐसे आपको सोल्यूशन ही मिल रहे होंगे। और लाइफ में कैसे मोटिवेट रहें, यू विल गेट आंसर, यू विल गेट, ऐसे आपको आंसर्स मिल रहे होंगे इससे, ठीक है? एंड आई थिंक ठीक है यार, तो उसको उस पर्पज तक ही देखा जाए, पर उसको रिप्लेस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसी जगह दिमाग मत लगाओ और अपने लॉजिक्स को बेहतर करो। मेरे हिसाब से इतने फ्रेशर्स देख रहे हैं, कॉलेज वाले बच्चे देख रहे हैं, इन टूल को कभी तुम देखो ही मत, हाथ से कोड लिखो, वही तुम्हें कॉन्फिडेंस देगा। और एट द एंड यार, ह्यूमन इंटेलिजेंस तो मेरे को लगता है वो बहुत ऊपर है, और इन टूल को एक्सपर्ट करने में, ट्रेन करने में बंदा तो चाहिए ही चाहिए। वो कहते हैं ना सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर ऑटोमेशन तभी बेहतर हो पाएगी जब एक अच्छे मैनुअल टेस्टर होगे, तो कोर स्किल्स तो चाहिए चाहिए, जो कभी हिलेंगे नहीं,
ठीक है, चलो भी, थैंक यू सो मच. मुझे इस वीडियो में यही बात करनी थी, मैं ज़्यादा इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता. एंड आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग देगा. इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, हर कॉलेज के बच्चे तक ये वीडियो जानी चाहिए और हर फ्रेशर तक ये वीडियो जानी चाहिए. अगर आप एक्सपीरियंस हो, आई बिलीव आप एग्री करोगे मेरी बात से. एंड थैंक यू सो मच. इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना. मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन ध्यान रखिए.